नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। हमने आपको खबरों के माध्यम से लगातार दिखाया कि किस तरीके से नाला सुपारापुर के संतोष भवन में स्थित पेट्रोल पंप के ठीक बगल में और अभिनंदन होटल के ठीक पास एक अवैध निर्माण बनकर तैयार हो रहा है और बसे विरार शहर महानगर पालिका का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है। लेकिन आज मनपा की प्रभारी सहायक आयुक्त महिला अधिकारी विशाखा मोटघरे ने इस अवैध निर्माण को धराशाही कर दिया। अब इस अवैध निर्माण को धराशाही करने में क्या क्या रुकावटें आई, इस अवैध निर्माण को जब धराशाही किया जा रहा था तो हमारी टीम वहां पर खबर की कवरेज करने के लिए मौजूद थी, तो उस दौरान वहां के भूमाफिया अरशद चौधरी द्वारा किस तरीके से हमारे पत्रकार के साथ बदतमीजी की गई, किस तरीके से दहशत दिखाते हुए हमारे पत्रकार के फोन से अवैध निर्माण की तोड़क कार्रवाई का वीडियो डिलीट करवाया गया और आखिर कौन है ये अरशद चौधरी, आज इसी बातों पर बारीकी से बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से नाला सुपारा बसे विरार में भूमाफिया के भूत लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं और इन्हें ना तो यहाँ की कानून व्यवस्था का डर है और ना ही यहाँ के मनपा अधिकारियों का खौफ। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर एक एक कर बारीकी से नजर डालते हैं। अब दोस्तों पहले बात करते हैं कि आखिर कौन है ये अरशद चौधरी। तो जब हमने अपने सूत्रों के माध्यम से अरशद चौधरी की कुंडली निकाली ना, तो ये बात छनकर सामने आई कि अरशद चौधरी आज से कुछ सालों पहले कोई खास प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थे, लेकिन कोरोना काल में लगे हुए लॉकडाउन का फायदा उठाकर इन्होंने नाला सुपारा बसे विरार की धरती पर इतने अवैध निर्माण किए कि ये भूमाफियाओं के प्रधान कहलाने लगे। नाला सुपारा बसे विरार की धरती पर निर्मित कई अवैध निर्माण अरशद चौधरी और उनके दो साथीदार शहजाद और मैनुद्दीन के ही हैं। इन्होंने अवैध निर्माण करके इतना धन कमा लिया है कि आज ये कुबेर बन चुके हैं और अपने इसी धन का धोस दिखाकर या पत्रकारों को धमकी दे, उनको दहशत दिखाने की कोशिश कर उनके फोन से उनका वीडियो डिलीट करवा रहे हैं। आपको यह भी बता दे कि इन लोगों के ऊपर वाले पुलिस स्टेशन अंतर्गत और साथ ही साथ पिल्हार पुलिस स्टेशन अंतर्गत संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज है, लेकिन इन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। इनके काले चिट्ठे निकाले जाए ना तो इसकी लिस्ट इतनी ज्यादा लंबी है कि इन लोगों को अब तक तड़ी पार कर देना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी से पहले ही कहा है कि हमारी नाला सुपारा बसे विरार की कानून व्यवस्था काफी ज्यादा लाचार और काफी ज्यादा लचर है। यही कारण है कि ये लोग बेखौफ तरीके से यहाँ पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। यही कारण है कि ये लोग बेखौफ तरीके से मनपा के बुलडोजर को वापस भेज दे रहे हैं और यही कारण है कि ये लोग पत्रकार को दहशत दिखाते हुए उसके मोबाइल से तोड़क कार्रवाई का वीडियो भी डिलीट कर दे रहे हैं। अब दोस्तों दूसरी बात ये कि हमने आपको ये भी कहा था कि इस तोड़क कार्रवाई को करने के लिए कई सारी रुकावटें हैं। तो जब हमारे चैनल पर लगातार खबर लग रही थी और खबरों के माध्यम से इस अवैध निर्माण के बारे में हम यहाँ के अधिकारियों को अवगत करा रहे थे, तो उसी दौरान आज से कुछ दिनों पहले विशाखा मोटघरे अपना तोड़क कार्रवाई का दस्ता लेकर इस अवैध निर्माण पर तोड़क कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। लेकिन उस दौरान जैसे ही उन्होंने बुलडोजर इस अवैध निर्माण पर चलाना शुरू किया, वैसे ही उन्हें किसी बड़े व्यक्ति का फोन आ गया, जिसके चलते उन्होंने अवैध निर्माण की इस तोड़क कार्रवाई को बीच में ही रोक दिया और उन्हें ना चाहते हुए भी इसे अधूरा छोड़कर वहां से जाना पड़ा, जिसके चलते विशाखा मोटघरे पर भी कई सारे सवाल या निशान खड़े हुए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि विशाखा मोटघरे अपनी कार्यशैली को लेकर एकदम ही कर्तव्यनिष्ठ महिला और साथ ही साथ स्वाभिमान महिला अधिकारी हैं। उन्होंने भले ही उस दिन दबाव में आकर अपने बुलडोजर का मुख मोड़ लिया, लेकिन एक हफ्ता बीतते ही वह अपने तोड़क दस्ते के साथ दोबारा उसी जगह पर पहुंची और उन्होंने इस भूमाफिया के अवैध निर्माण को तोड़कर नस्तनाबूद कर दिया और बता दिया कि यदि आप ईमानदार हैं ना तो आपके ऊपर कोई भी दबाव हावी नहीं हो सकता। अब कई रुकावटों के बाद जब इस अवैध निर्माण पर मनपा का बुलडोजर चल रहा था तो इसकी खबर की कवरेज करने के लिए हमारे चैनल के एक पत्रकार वहां पर मौजूद थे और वीडियो बना रहे थे। उसी दरमियान अरशद चौधरी ने हमारे पत्रकार को वीडियो बनाते देखा और अरशद चौधरी हमारे पत्रकार के पास पहुंचे और उनसे कहा कि वह अरशद चौधरी हैं और हमारे पत्रकार की हिम्मत कैसे हुई कि वह होने वाले अवैध निर्माण के तोड़क कार्रवाई की वीडियो बना रहे हैं। ऐसा कहते हुए अरशद चौधरी ने जबरदस्ती हमारे पत्रकार को कई आदमियों के साथ मिलकर घेरा और जबरदस्ती हमारे पत्रकार के फोन से वीडियो डिलीट करवा दिया। जब ये खबर मुझ तक पहुंची, इस बात की जानकारी मुझ तक आई, तो मैंने अरशद चौधरी से संपर्क साधा और उनसे सवाल किया कि क्या उन्होंने हमारे पत्रकार के फोन से वीडियो डिलीट करवाई। तो उनका ये कहना था कि हाँ वीडियो डिलीट करवाई, और वीडियो डिलीट करवाई तो करवाई, क्या वे मुझे सॉरी बोले।
दोस्तों जब मैंने ये कहा कि बात यहाँ पर सॉरी की नहीं, बात यहाँ पर बदतमीजी की है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम अब आप बहुत आगे जा रही हैं। पर ऐसा कहते हुए उन्होंने मेरा फोन काट दिया। जब मैंने दोबारा अरशद चौधरी से संपर्क किया तो उनका ये कहना था कि मैं एक महिला हूँ और वो एक महिला से बात नहीं करते, और उन्होंने फिर मेरा फोन काट दिया। अब दोस्तों एक बात बताइए, मैं महिला हूं तो मैं क्या करूं? मैं महिला हूं तो पत्रकारिता छोड़ दूं, या मैं महिला हूं तो इन भूमाफियाओं से सवाल करना छोड़ दूं? ये एक पुरुष पत्रकार के फोन से वीडियो डिलीट करवाते हैं, महिला पत्रकार से बात नहीं करते, और महिला ममता अधिकारी के बुलडोजर को वापस भेज अवैध निर्माण की तोड़क कार्रवाई रुकवा देते हैं। अर्थात ये भूमाफियाओं के प्रधान हैं और साथ ही साथ पत्रकारों को नहीं देते सम्मान है, और मनपा के अधिकारियों की तोड़क कार्रवाई रुकवा कर खुद पर करते बड़ा अभिमान है। खैर अरशद चौधरी, आप भले ही महिलाओं से बात नहीं करें, लेकिन ये सच है कि आज एक महिला अधिकारी ने ही आपके अवैध निर्माण पर तोड़क कार्रवाई कर उसे धराशाही किया है और आपके घमंड को चकनाचूर किया है। अंत में जाते जाते मैं आपको एक सलाह जरूर देना चाहूंगी कि हर पत्रकार को एक जैसा ना समझें और सच को दबाने की कोशिश ना करें, क्योंकि सच छुपाए नहीं छुपता और सच्चा पत्रकार बिकाऊ नहीं होता। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने पर दोस्तों इसे शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अरशद चौधरी की इस महिला वाली सोच पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।